नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडस में। दोस्तों, टाटा एलेक्सी ने अपने Q4 के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए, तो आज हम रिजल्ट्स का फुल एनालिसिस करेंगे और लास्ट में ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले दिनों में क्या टारगेट प्राइस हो सकता है। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहना। दोस्तों, कंपनी के ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात की जाए तो लास्ट ईयर ये था 1826 करोड़, अभी ये इंक्रीज होकर 2470 करोड़ के आसपास हो गया। तो यहाँ पे 35% का शानदार ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं अगर मैं ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करूं तो लास्ट ईयर कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन था वो अराउंड 29% के आसपास का था, अभी ये इंक्रीज होकर 31% हो गया है। तो आप देख रहे हो कि ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें भी कंपनी ने शानदार ग्रोथ दिखाया हुआ है। दोस्तों, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर मैं उसकी बात करूं तो लास्ट ईयर ये 368 करोड़ था, अभी ये इंक्रीज होकर 549 करोड़ हो गया है। तो 50% का दोस्तों कंपनी ने शानदार ग्रोथ दिखाया हुआ है और ये इतिहास में कंपनी के पहली बार है कि कंपनी ने इतना शानदार ग्रोथ दिखाया हुआ है। उससे पहले कंपनी ने इतना बेहतर प्रदर्शन कभी नहीं दिखाया था, ये पहली बार हुआ है कि कंपनी ने इतना शानदार ग्रोथ दिखाया हुआ है। और अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करूं तो कंपनी को कितना मार्जिन मिला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन था वो था 19.7% इन द ईयर 21 और ये इंक्रीज होकर अराउंड 22% के आसपास हो गया। तो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मार्जिन है कंपनी का वो भी इंक्रीज हुआ है। तो एक बेहतर प्रदर्शन दिखाया है इस कंपनी ने इस बार के रिजल्ट्स में। दोस्तों, रेवेन्यू की बात करूं तो इंडिया से जो कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है वो 16% का आ रहा है, अमेरिका से 42% का आ रहा है और यूरोप से 33% का रेवेन्यू आ रहा है। तो आप देखोगे ज्यादातर रेवेन्यू जो है कंपनी का 42% का जो रेवेन्यू है वो अमेरिका से आ रहा है और बाकी के जो कंट्रीज है वहां से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 8.5% के आसपास का आ रहा है। और कंपनी ने इस बार 25% का डिविडेंड भी दिया है, तो अराउंड ₹42 के आसपास का कंपनी ने पर शेयर डिविडेंड दिया हुआ है। तो अगर आपको 10 शेयर है इस कंपनी के तो आपको ₹425 जो है वो डिविडेंड मिलेगा, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस बार का डिविडेंड भी जो है कंपनी ने काफी शानदार दिया हुआ है अपने शेयर होल्डर्स को। दोस्तों, आने वाले दिनों के टारगेट्स की बात करूं तो यहाँ पे जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है, आप अगर देखोगे ये जो येलो कलर की लाइन है ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है और ग्रीन कलर की जो लाइन है वो 20 डेज का मूविंग एवरेज है। तो इसका 50 डेज का मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 7,690 रुपए का और करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो अराउंड 7,807 रुपए के आसपास का चल रहा है। और अगर मैं इसके 20 डेज की मूविंग एवरेज की बात करूं तो ये 8,180 रुपए चल रहा है। दोस्तों, तो इनकेस अगर ये अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज को ये प्राइस क्रॉस कर देता है तो आने वाले दिनों में जो टारगेट्स होंगे वो होंगे 8,354 रुपए के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और उसके बाद के जो टारगेट्स है दोस्तों वो अराउंड 8,816 रुपए के निकल के आ रहे हैं। तो ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स है दोस्तों, अगर मैं लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात करूं तो 9,400 तक के इसके जो है आने वाले दिनों में टारगेट्स हो सकते हैं। पर दोस्तों, उसके पहले इसको जो है अपना 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये जो टारगेट्स है वो अचीव हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, अगर मैं इसका बाइंग लेवल देखूं तो एक 7,600 रुपए के आसपास एक स्ट्रांग सपोर्ट इसको जो है वो मिला हुआ है। अगर वो सपोर्ट सस्टेन होता है तो दोस्तों यहाँ से जो है आने वाले दिनों में टारगेट्स जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर नया अपॉर्चुनिटी है फॉर द शॉर्ट टर्म, अगर आप एक स्विंग करना चाहते हो तो 7,600 रुपए के आसपास जो है इसमें आप एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हो इस शेयर में एंट्री करने की। दोस्तों, 7,600 रुपए पे इसको स्ट्रांग सपोर्ट है और वहीं आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगा कि आप इसमें एंटर करके एक स्विंग का मौका जो है एक यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।